कि हमने सुना है स्वर्ग जाने की इच्छा सभी की होती है। जितने संसार में भौतिक सुख हैं, इनसे कई गुना ज्यादा सुख स्वर्ग में है, कई गुना। ये तो रत्ती भर भी नहीं है उनके, इतना सुख है वहां। तो क्या आप हमें बता सकते हैं स्वर्ग कैसे जाया जा सकता है? तो वहां पर एक बच्चा बैठा हुआ था, चंचल था। हर क्लास में दो चार बच्चे ऐसे होते ही। उसने हाथ उठा दिया तो उन्होंने पूछा, क्या तुम जानते हो, क्या तुम बता सकते हो स्वर्ग कैसे जाया जा सकता है? तो उसने हिलाया सर अपना कि हाँ जी बता सकते हैं। हाँ तो बोले बताओ, खड़े हो जाओ। तो खड़े हो गए, बच्चा खड़ा हुआ और खड़े हुए बच्चे से पूछा उन महात्मा ने, बताओ स्वर्ग कैसे जाया जा सकता है? बच्चे ने जवाब दिया, महात्मा स्वर्ग जाने के लिए पहले मरना पड़ेगा, मरो और स्वर्ग चले जाओ। क्या आंसर था? मरो और स्वर्ग चले जाओ, ये उस बच्चे का आंसर था। महात्मा ने कहा कि तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है कि मरेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन मरने के बाद नरक के रास्ते भी तो खुलते हैं। सिर्फ स्वर्ग का ही रास्ता तो नहीं। हमारा प्रश्न यह है कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? तुमने सोचा कि मरो और पहुंच जाओ। अरे भाई, कितने लोग ऐसे हैं जो मर के नरक पहुंच गए और जाते नरक चले जाते, पहुंच जाते हैं और एक जन्म में नहीं, बार बार मरते हैं और बार बार नरक में जाते हैं, उनका क्या? अगर स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हो तो महात्मा ने कहा, स्वयं से चिंतन करो, मनन करो, कहां गलती कर रहे हो, उन गलतियों का चिंतन करके उन्हें बंद करो। स्वर्ग की प्राप्ति अच्छे कर्मों से हमें प्राप्त होती है। खराब कार्य हमें छोड़ने पड़ेंगे, बुरे काम हमें छोड़ने पड़ेंगे। तो बुरे काम कौन से? बोले झूठ बोलना, दूसरों से चिढ़ना, चोरी करना, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को परेशान करना, एक दूसरे की खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, अकारण ही क्रोध करना, मुझसे आगे फलाना आदमी ना निकल जाए इसलिए उस पर कलंक लगाना, और ये काम तो आजकल बहुत अच्छा होता है, देवरानी जिठानी पे, जिठानी ननद पे, ननद सास पे, सास बहू पे, भाई भाई पे, सर्वेंट बॉस पे, बॉस सर्वेंट पे, एक दूसरे पे कलंक लगाना। कलंक लगाना मतलब दोषारोपण करना, दोषारोपण मतलब दूसरे की छवि को खराब करना। ये तो बहुत आसान है कलयुग में, और आजकल सोशल मीडिया में तो और भी आसान है। लोग अपना फोटो भी नहीं डालते, कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, दूसरों की बुराई हम फोनों पे कर देते हैं और ऊपर से कह देते हैं मेरा नाम मत लेना। अच्छा तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, अच्छी बात है, हम उसको तो नहीं लेंगे तुम्हारा नाम, पर वो ऊपर जो सुन रहा है वो तो सुन ही गया, उसे तो पता चल ही जाएगा, उससे कैसे बचोगे? और सारा किया धरा तो उसी का है, दुनिया वालों से तो छिप जाओगे, उससे कैसे बचोगे? सारी समस्या तो वहां है। दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों पे कलंक लगाना, दूसरों को दुखी करना, परेशान करना दूसरों को, ये वो कार्य हैं जो तुम्हें स्वर्ग जाने से रोकते हैं।
अगर तुम चाहते हो कि तुम ईश्वर की प्राप्ति हो तो पहले अपने इन बुरे कार्यों पर आपको फुली स्टॉप लगाना पड़ेगा। फुली स्टॉप माने फुली स्टॉप। आज के लोगों की एक और समस्या है, चाहते तो सब वही हैं जो पंडित जी लोग चाहते हैं कि भाई स्वर्ग मिल जाए या जो जो कहते हैं, पर जो पंडित जी लोग उपदेश देते हैं कि ये मत करो वो मत करो उस पे अपनी मनमानी करते हैं। चाहिए स्वर्ग, चाहिए भगवत प्राप्ति, चाहिए सारे सुख साधन, लेकिन कर्म वही जो हम चाहें ऐसा संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं। जैसे हम लोग जमीन में भूमि में जो बीज बोएंगे वही वापस मिलेगा। कर्म हमारा बीज है, अच्छे कर्म बोएंगे तो सुख वापस आएगा, बुरे कर्म बोएंगे तो दुख वापस आएगा। क्या पाना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग उस हिसाब से कर लीजिए जिससे आपको और आपके बच्चों को एक सदगति शुभ कार्य प्राप्त हो सके, शुभ फल प्राप्त हो सके।